नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड और आज के इस वीडियो में मैंने पिक किया है अपने व्यूवर का एक क्वेश्चन अब क्वेश्चन क्योंकि अच्छा था तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना देता हूं क्योंकि किसी एक को रिप्लाई करूंगा उससे बेटर ये है कि बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी क्योंकि जो सवाल है वो बहुत कॉमन है बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा या फिर कभी ना कभी ये सवाल लोगों के मन में आ ही जाएगा तो आई एम श्योर ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्विच और व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल स्विचिंग वन फंड टू अनदर फंड ऑफ द सेम कैटेगरी इन डिफरेंट ए तो म्यूचुअल फंड को स्विच करना है एक ए से दूसरी ए में ऑफ सेम कैटेगरी बेस्ट तरीका क्या होगा देखो दोस्त म्यूचुअल फंड को स्विच करने का मतलब है कि आप एक ए से अपना पैसा विड्रॉ करके दूसरी ए में अपना पैसा डालना चाहते हैं अब एक ए से पैसा विड्रॉ करने का मतलब है कि आपने पैसा बाहर निकाला है और म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालना इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना की लगता है तो इससे पहले की आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालें आपको यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें से सबसे पहली चीज है एग्जिट लोड दूसरी चीज है टैक्सेस तो सबसे पहले अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड पे जनरली एग्जिट लोड लगा होता है ये जीरो से लेकर टू तक का

मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स करते करते दो साल हो गए हैं और आपने इन दो सालों में जो इन्वेस्टमेंट्स की थी वो हर महीने एसआईपी के थ्रू की थी यानी कि आपने पूरे दो साल में टोटल चौबीस इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। आपको तो यहाँ पे हो गए हैं दो साल यानी कि आपको तो एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा हकीकत यह है कि आपको यहाँ पर एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा आई नो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है देखिए जब हम किसी म्यूचुअल फंड में एस के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इवन लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हर एक इन्वेस्टमेंट को हर एक इंस्टॉलमेंट को एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है और हर एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट को एक साल के एग्जिट लोड से गुजरना पड़ेगा यानी कि वो एक साल की जो एग्जिट लोड की कंडीशन है वो हर एक इंस्टॉलमेंट पे लगेगी। अब क्योंकि आपने टोटल 24 की हैं, जिनमें से 12 इंस्टॉलमेंट्स जो पहली 12 इंस्टॉलमेंट है पहले साल की उनके ऊपर आपको कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना होगा क्योंकि उनको पूरे एक साल हो चुके हैं लेकिन जो बाकी की बारह इंस्टॉलमेंट है थर्टींथ इंस्टॉलमेंट से लेके जो ट्वेंटी इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर आपको पूरा वन परसेंट का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा क्योंकि उन सभी इंस्टॉलमेंट्स को अभी तक एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है सेम इसी तरीके से अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते करते पाँच साल हो गए हैं तो आपको पहले चार साल की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उस पर एग्जिट लोड पे नहीं करना होगा लेकिन जो रिसेंट वन ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है जिनको एक साल कम्प्लीट नहीं हुआ है उन उनपे आपको वन का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा अगर लोड का है, जैसे कि हमने लिया है, 1 के लोड का मतलब है कि अगर आपने दो साल में दो लाख चालीस हजार रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आपको इन दो लाख चालीस हजार रुपए में से जो रिसेंट बारह इंस्टॉलमेंट है उनपे एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा यानी कि आपके ऊपर जो एग्जिट लोड लगेगा वो एक लाख बीस हजार रुपए पे लगेगा अब एक लाख बीस हजार रुपए पे सीधा वन परसेंट कट कर लीजिए आपको यहाँ पर बारह सौ रुपए का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा और ये पेमेंट आपको अलग से नहीं करनी है जो यूनिट्स आप रिडीम करेंगे उनमें से वो पैसा ऑलरेडी कट के ही आपको मिलेगा क्योंकि फंड हाउस अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ता तो मेरे ख्याल से एग्जिट लोड वाली कंडीशन आपको क्लियर हो गई है अब हम आगे बढ़ते हैं टैक्सेस की तरफ तो जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो ये होते हैं दो तरह के यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड में एस टैक्स लगता है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से एक साल से पहले ही एग्जिट कर जाते हैं और ये लगता है फ्लैट फिफ्टीन परसेंट का वहीं दूसरी तरफ एल टैक्स लगता है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं एक साल के बाद और ये टैक्स लगता है टेन परसेंट का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है एक लाख से ऊपर यानी कि एक लाख से ऊपर आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस उसपे आपको टेन परसेंट का एल टैक्स पे करना पड़ेगा फॉर एक्जाम्पल आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था दो था जो बढ़कर तीन हो गया है यानी कि आपको यहाँ पर एक लाख दस हजार रूपये का प्रॉफिट हुआ है अब अगर आप एक साल के बाद म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स पे करना होगा दस हजार के अमाउंट पे यानी कि एक लाख दस हजार रूपये में से एक लाख रूपये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अब आपके पास अमाउंट बचा दस हजार रूपये इस दस हजार रुपए पे आपको दस परसेंट का टैक्स पे करना है यानी कि आपको यहाँ पर एक हजार रुपए का टैक्स पे करना है और एस टी सीजी और एलटीसीजी में कंडीशन बिल्कुल सेम आती है जैसे कि एक्सिट लोड के टाइम पे थी यानी कि आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट पे स या फिर एल लगता है तो अगर आप पूरा ही पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो जिन जिन इंस्टॉलमेंट्स को एक साल कंप्लीट हो गया है उस पर लगेगा एल टैक्स और जिन जिन इंस्टॉलमेंट्स पे अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है उस पर लगेगा एस टैक्स जो कि है फिफ्टीन का ओके तो ये बात होगी प्रिकॉशंस की कि पैसा विद्रॉ करने से पहले आपको इन दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा अब अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं आपने ये सारी कैलकुलेशन कर ली है तो अब हम बात करते हैं पैसे को विड्रॉ करने की यानी कि स्विच करने की अगर आपने म्यूचुअल फंड डायरेक्टली ए एमसी से बाय किए है यानी कि एमसी की वेबसाइट पर ही लॉग करके अपना अकाउंट क्रिएट करके वहीं पर ही आपने म्यूचुअल फंड को बाय किया था तो हर ए की वेबसाइट पर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसको हम बोलते हैं एस यानी कि ट्रांसफर ट्रांसफर प्लान प्लान अब बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आपकी एस होती है लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करने के लिए हम एस लगाते हैं कि आपको कितने कितने ड्यूरेशन के बाद कितना अमाउंट इस म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करना है लेकिन एस की लिमिटेशन ये है कि आप एस लगा सकते हैं सेम एएमसी पे ही यानी कि अगर आप विद इन सेम एम अपना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप एमसी की वेबसाइट पर लगा सकते हैं। अगर आपको एक एमसी से किसी दूसरी AMC के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर एस काम नहीं करेगा कोई ए एमसी ये नहीं चाहेगी कि उसका ग्राहक किसी दूसरे एमसी के पास जाए अपनी नजरों में भले ही आप एक इन्वेस्टर हो लेकिन ए की नजरों में आप एक ग्राहक ही है अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पैसा ट्रांसफर करने की लेकिन किसी दूसरी ए के सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको यहां पर थोड़ा सा मैनुअली काम करना होगा यानी कि अपने यूनिट्स को उस ए से विड्रॉ करके दूसरी एम के दूसरे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा अब इस काम को अगर आप थोड़े से प्रिकॉशन के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा यानी कि आपको ऐसे ही अपने सारे यूनिट्स विड्रॉ करके एक ही बारी में सारा फंड विद्रॉ करके उसको स्विच नहीं करना चाहिए क्योंकि विड्रॉवल रिक्वेस्ट अगर आप प्लेस करेंगे तो विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस करने के बाद भी तीन से पांच दिन लग सकते हैं इससे पहले कि वो फंड्स आपके बैंक अकाउंट में आए और ऐसे में अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो यहां पर आपको नुकसान भी हो सकता है तो जैसे कि मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ वही चीज मैं आपको बता देता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके जितने भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं उनको तीन से चार पार्ट्स में डिवाइड करना है यानी कि आपको एक ही ऑर्डर प्लेस नहीं करना है सब कुछ रिडीम करने के लिए आपको यहाँ पर तीन से चार डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस करने हैं यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट्स में

दोपहर को तीन बजे से पहले जो कि म्यूचुअल फंड का कट ऑफ टाइम होता है आप उसी दिन वो बीस हजार रुपए दूसरी एएमसी के उस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए बिना कुछ भी सोचे समझे आपको बाकी कुछ भी नहीं देखना है मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है मार्केट किस पोजिशन पे है आज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी आपको यहाँ पर लालच कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपली उन बीस हज़ार रुपये को एज इट इज इन्वेस्ट कर देना है अब आप तीन बजे का वेट करें उससे बेटर यह है कि आप दो ढाई बजे के आसपास या उससे पहले अपनी ये इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिएगा उससे आपको सेम डे का एन मिल जाएगा यही सेम काम आपको करना है बाकी की तीन इंस्टॉलमेंट्स के साथ जैसे ही वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा आपको उसी दिन कट ऑफ टाइम से पहले अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है दूसरे ए के म्यूचुअल फंड के अंदर अब ये जो चार अलग अलग पार्ट्स में आप अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं ये टोटली आपकी अपनी मर्जी है आप इनको चार अलग अलग दिन पे विद्रॉ कीजिए चार अलग अलग हफ्तों में विद्रॉ कीजिए या फिर चार अलग अलग महीनों में विड्रॉ कीजिए इनमें से कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है आप अपने हिसाब से इस चीज को चूज कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग वन सिंगल ट्रांजेक्शन तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और रवि सिंह जी को उनका जवाब सेटिस्फेक्ट्रीली मिल गया होगा गोइंग फॉरवर्ड मैं ऐसे और भी क्वेश्चन अपनी वीडियोस में पिक करता रहूंगा जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग